रूपा जी, बहुत सारे दर्शक जुड़े हुए हैं जिनका सवाल लगातार सरसों को लेकर आ रहा है। सबका सवाल है कि सरसों का स्टॉक तो है नहीं, लेकिन स्टॉक ना होने के बावजूद भी अब स्टॉक की सरसों की कीमतों में जो गिरावट आ रही है उसका कारण क्या है? क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो ये बात सही भी है, क्योंकि अगर किसी चीज़ का स्टॉक नहीं होता है और डिमांड रहती है तो उसकी कीमतों में हम देखते हैं अक्सर बढ़ोतरी देखने को मिलती है, लेकिन सरसों में देख रहे हैं उल्टा होता हुआ नज़र आ रहा है। आपको क्या लगता है ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, डिमांड नहीं है इन लेवल्स के ऊपर भी। आप ये देखिए कि स्टॉक जरूर अवेलेबल नहीं है, लेकिन जिनके पास माल पहले से ही रखा हुआ था उन्होंने अब धीरे धीरे माल को निकाला है। इन लेवल्स के ऊपर भी अभी कुछ एक लोगों ने अपना माल जो है वो स्टॉक किया हुआ है, क्योंकि प्राइजेस काफी नीचे आ चुके हैं। कंपेरिजन अगर देखा जाए तो पिछले साल में अभी 2021 के एंड तक अच्छी खासी तेजी थी सरसों के अंदर, लेकिन अभी जैसे देखा रिटेल में भी हम देख रहे हैं कि सरसों की कीमतों के अंदर सरसों तेल की कीमतें लुढ़कती हुई दिखाई दी है, रिफाइंड सोया ऑयल में भी गिरावट आई है, सीपीओ में गिरावट है। तो सभी कॉमोडिटीज के अंदर जो है एडिबल ऑयल पैक के ऊपर जब से सरकार ने इंपोर्ट फ्री ड्यूटी की है तब से प्रेशर बनता हुआ दिखाई दिया है, इसलिए यहां पर कीमतें उठ नहीं पा रही हैं और स्टॉक नहीं है, ये बात सही है। लेकिन आगे चलकर कुछ एक डेढ़ महीने के बाद नई अराइवल्स आनी शुरू हो जाएंगी। अब जैसे खबरें भी निकल कर आ रही है कि सरसों की क्रॉप भी डैमेज हो चुकी है, तो उसका असर आगे आने वाले दिनों में दिखाई दे सकता है। हो सकता है कि जब अराइवल प्रेशर होगा उसके बाद, जब अराइवल्स आ जाएंगे मार्केट में, जब एक्चुअल में स्थिति पता चल जाएगी उसके बाद कीमतों के अंदर एक उछाल आ सकता है। लेकिन फिलहाल इन स्तरों पर, क्योंकि देखिए सरसों की जो डिमांड है, सरसों तेल की मांग जो है अभी फिलहाल जो फेस्टिवल सीजन में जो रौनक होती है, जो डिमांड बढ़ती है, वो उतनी डिमांड अभी नहीं निकल पा रही है, तो इस वजह से प्राइजेस भी नहीं उठ पा रहे और अभी प्राइजेस के अंदर दबाव देखने को मिल रहा है। आगे चलकर नई क्रॉप आने के बाद हो सकता है कि कुछ एक अपसाइड मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे। अभी एडिबल ऑयल का जो सिनेरियो है विदेशी बाजारों में तेजी का है, जिसकी वजह से डोमेस्टिक मार्केट भी सपोर्ट ले रहे हैं, लेकिन आगे चलकर कैसा रहेगा मार्केट, कैसी क्रॉप रहेगी, इसके ऊपर काफी कुछ डिपेंड करेगा। लेकिन हाल फिलहाल में बाजारों में करेक्शन बनी रह सकती है, लेकिन यहां से बहुत ज्यादा अब गिरावट के भी आसार नहीं है। हो सकता है आपको एक डेढ़ महीने बाद इसमें बल्कि तेजी देखने को मिले। जो अभी बाजार दबाव में है, हो सकता है कि एक डेढ़ महीने के बाद उसमें उठाव आता हुआ नजर आए। जी,